Welcome in my class. Today we discuss about our topic sounds. We learn about sounds in our previous class with vowel sound, and today we discuss about consonant sounds. Okay? कल की क्लास में हमने स्टडी किया था वोवल साउंड के बारे में, जो वोवल्स थे ए ई आई ओ एंड यू, इनसे जो साउंड रिलीज हुआ था वोवल साउंड. According to हिंदी vowels, ठीक है कि हिंदी जो vowels होते हैं अ आ ई ई, उनमें से कौन सा sound इन vowels से रिलीज होता है, उसके बारे में हमने अपनी previous class में discuss किया था. आज हम discuss करेंगे consonant के बारे में कि यदि जो sound है वाला जो क्वेश्चन है उसमें जो फोर वर्ड्स हमें गिवन है उसमें यदि जो स्पेलिंग्स है उनमें कॉन्सोनेंट लेटर्स को अंडरलाइन किया गया है. ठीक है, कॉन्सोनेंट लेटर हमने कल भी लिखे थे, 21 लेटर्स हैं जो आपके बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड. ये 21 लेटर्स है जो कि अपने इंग्लिश अल्फाबेट में कॉन्सोनेंट के नाम से जाने जाते हैं. यदि गिवन वर्ड में जो अंडरलाइन लेटर्स है उनमें यदि किसी कॉन्सोनेंट लेटर या कॉन्सोनेंट लेटर्स को अंडरलाइन किया जाता है तो उनसे जो साउंड रिलीज होगा, जैसे वोवल से कौन सा साउंड रिलीज हुआ था हिंदी वोवल का, ऐसे ही कॉन्सोनेंट लेटर्स है तो इनसे जो साउंड रिलीज होगा वो कॉन्सोनेंट साउंड रिलीज होगा. रिलीज कॉन्सोनेंट साउंड according to हिंदी consonant. हिंदी consonant आपको पता है सबको, क ख ग घ ड च, इस प्रकार से ये यानी जो भी हिंदी में व्यंजन थे जो consonant थे उनका sound रिलीज होगा यदि underline letter consonant. ठीक है, अब हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं इनके कि किस प्रकार से हम कॉन्सोनेंट साउंड को आइडेंटिफाई करेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल आप लेके सकते हैं, बुक से लेते हैं. फर्स्ट है लंच, जिसमें सी एच को अंडरलाइन किया गया है. सेकेंड वर्ड है आपका फेच, इसमें भी सी एच को अंडरलाइन किया गया है. और थर्ड और फोर्थ है स्टमक और चेस्ट, स्टमक और चेस्ट. ओके, ये फोर वर्ड्स अपने को गिवन है. इन फोर वर्ड्स में सी एच जो लेटर्स हैं उनको अंडरलाइन किया गया है. तो जैसा मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जिस वर्ड में जिस लेटर को अंडरलाइन किया गया है उस अंडरलाइन लेटर से रिलीज होने वाले साउंड पर ही हमारा ध्यान फोकस करना चाहिए, बाकी के जो लेटर्स हैं उनकी तरफ हमें ध्यान नहीं देना है. इस स्पेलिंग को आप क्या स्पीक करोगे, लंच, लास्ट में क्या साउंड आ रहा है चेक, ऐसे इसको अपन क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे इसका, फेच, फेच में भी किसका साउंड आया सी एच से चेक,
इसको क्या पढ़ेंगे? यदि देखो आपका प्रोनाउंसिएशन गलत है तो आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे। यदि आप इसको स्टमच पढ़ते हो ना, स्टमच, तो आपका प्रोनाउंसिएशन गलत है और आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? स्टमक। क्या होता है? स्टमक। तो यहां पर च का साउंड रिलीज नहीं हो रहा है, यहां पर किसका साउंड रिलीज हो रहा है? कैट का, स्टमक। और इसमें अपन पढ़ते हैं चेंज, तो चेंज में चेंज ऐसे तो क्या, तो मैंने कहा था ये मात्रा वगैरह लगी होगी, वो तो वोवल साउंड से रिलीज हो रहा है, तो वोवल को तो देख रहे हैं, अपन किसको देख रहे हैं? कॉन्सोनेंट को। तो केवल कॉन्सोनेंट पे ध्यान फोकस करना है। यहाँ भी कौन सा कॉन्सोनेंट रिलीज हो रहा है? चेक का साउंड रिलीज हो रहा है। आपने क्या पाया कि जो आपका क्वेश्चन था उसमें जो कॉन्सोनेंट लेटर्स को अंडरलाइन किया गया था सी है, उसमें हमने पाया कि ऑप्शन ए बी और डी इन चारों वर्ड्स में जो अंडरलाइन लेटर उनसे साउंड रिलीज हुआ चेक का, जबकि हमारा जो ऑप्शन सी था उसमें अंडरलाइन लेटर सी एस से कै का साउंड रिलीज होता है। और हमारा क्वेश्चन क्या था कि डिफरेंट साउंड किससे रिलीज हुआ? अंडरलाइन लेटर से डिफरेंट साउंड कौन से वर्ड से रिलीज होता है? तो अपना यहां डिफरेंट साउंड कौन से रिलीज हो रहा है? सी से। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही और एग्जांपल लेके देखते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें, राइट। सेकंड है रॉन्ग, थर्ड है रिट, और आपका फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हें वाइट। ठीक है, इसमें भी आपने क्या पाया कि जो अंडरलाइन लेटर है वो क्या है? डब्ल्यू। इन फोर वर्ड्स में सब में डब्ल्यू जो लेटर है उसको अंडरलाइन किया गया है। तो डब्ल्यू क्या है? कॉन्सोनेंट। डब्ल्यू क्या है? कॉन्सोनेंट। तो हमें कॉन्सोनेंट साउंड को ही आइडेंटिफाई करना है। इसको अपन क्या स्पीक करेंगे? राइट। क्या स्पीक करोगे? राइट। अब इसमें आ की मात्रा नहीं देखते हमने, अपने को कॉन्सोनेंट देखना है। क्या कॉन्सोनेंट आ रहा है? रे। तो यहाँ डब्ल्यू से कौन सा कॉन्सोनेंट साउंड रिलीज हुआ? रे। इसको आप क्या पढ़ोगे? रोंग। रोंग में भी रे। इसको क्या पढ़ोगे? रिट। रिट में भी रे। और जो फोर्थ वर्ड है इसमें क्या पढ़ोगे आप? वाइट। वाइट में ये आधा हुआ है, तो यहाँ किसका साउंड रिलीज हुआ? से किसका साउंड रिलीज हुआ? तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो वर्ड है उसमें अंडरलाइन लेटर डब्ल्यू है उससे रे का साउंड रिलीज हो रहा है, जबकि अपना जो फोर्थ ऑप्शन है डी उसमें अंडरलाइन लेटर डब्ल्यू है उससे वे का साउंड रिलीज हो रहा है। डिफरेंट साउंड रिलीज कौन से में हो रहे हैं? डी वाले। अपना आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फीडर। बी फायर। फिर नेक्स्ट वर्ड आपको दिया हुआ है इसमें रिच और मस्ती, सॉरी बर्ड और हेल्थ। बर्ड और यह फोर वर्ड अपने को गिवन है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है अपना? ऐसे क्वेश्चन को, साउंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, फिर बता रहा हूं, हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो वर्ड में अंडरलाइन किए गए लेटर हैं वो वोवल है या कॉन्सोनेंट। पहला काम, यदि वोवल है तो वोवल साउंड को ही देखना है, ए आ ई का साउंड पहचानना है, और यदि कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट साउंड को ही आइडेंटिफाई करना है। कॉन्सोनेंट कौन से होंगे? ये कॉन्सोनेंट होंगे। तो इसमें सबसे पहला काम है जो अंडरलाइन लेटर है उनको आप चेक करो कि वो वोवल है या कॉन्सोनेंट है। इसमें अपने क्या देखा? टी एच। इसमें भी टी एच। इसमें भी टी एच। और इसमें भी टी एच। चारों वर्ड में जो अंडरलाइन लेटर है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो इसका मतलब हमें उस अंडरलाइन लेटर से कॉन्सोनेंट साउंड को ही आइडेंटिफाई करना है। इसको आप क्या लिखोगे? इधर। अब देखो ये फी साउंड किससे है यार? इससे। रे साउंड किससे है यार? इससे।
और ये जो डेटा समूह है ना वो किससे आ रहा है, टी एच से। तो हम क्या कहेंगे कि जो टी एच वर्ड है, टी एच जो लेटर्स है उनसे किसका साउंड रिलीज हो रहा है, डेटा। ऐसे फादर, फा द, इसमें किसका साउंड रिलीज हुआ, डेटा। बट, बट में हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखते हो वर्ड है, और हेल्थ में, हेल्थ में भी सॉरी एक वर्ड गलत राइट हो गया सर, चेक कर लेते हैं, यहाँ ठीक है ना, एक वर्ड रॉन्ग हो गया, ये ठीक लगते हैं। इसमें भी टी से, टी एस से कौन सा साउंड रिलीज हुआ, थिंक में टी एस से थे का साउंड रिलीज हुआ, बर्थ में थे का, और हेल्थ में भी टी एस से थे का साउंड रिलीज हुआ, जबकि फीडर में टी एस से कौन सा साउंड रिलीज हुआ, डेटा। तो डिफरेंट साउंड कौन से रिलीज हो रहे हैं, ए ऑप्शन वाले वर्ड में। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आपका ऑप्शन ए में जो वर्ड दिया है उसमें अंडरलाइन लेटर से डिफरेंट साउंड रिलीज हो रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, नो वॉक टॉक लॉक, वॉक लॉक और टॉक, ठीक है। ये अपने को फोर वर्ड्स गिवन है, इनमें हमें अंडरलाइन लेटर को सबसे पहले देखना है कि अंडरलाइन लेटर वो वाले या कौन सा। आप क्या पाओगे इसमें, के अंडरलाइन किया हुआ लेटर वह कौन सा है, इसमें भी के को अंडरलाइन किया गया, के क्या है, कौन सा है, लॉग में भी अंडरलाइन किसको किया है, के को, ये भी कौन सा है, और टॉप में भी किसको किया, के को, ये भी क्या है, कौन सा। यानी हमें कॉन्सोनेंट साउंड को आइडेंटिफाई करना है अंडरलाइन लेटर से। इसको आप क्या लिखोगे, नो, तो नो में किसका साउंड आ रहा है, न, इसको तो क्यों नहीं लिखते हैं, यहाँ पर मैं का साउंड लिख दूं, कनो मत पढ़ना है, फिर भी आपने क्या पढ़ दिया, कनो, तो गलत हो गया, क्योंकि इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, नो होता है, कनो नहीं होता है, ठीक है। यदि आप कनो पढ़ोगे तो फिर बाद में आपका राइट आंसर नहीं आ पाएगा। वॉक, तो वो कै, लो कै, इसमें भी कहता साउंड रिलीज हो रहा है लास्ट में, तो कै, इसमें भी कहता साउंड रिलीज, तो हमने क्या पाया कि ऑप्शन बी सी और डी में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनमें अंडरलाइन लेटर के से कै का साउंड रिलीज हो रहा है, जबकि जो अपना फर्स्ट ऑप्शन है ए उसमें जो वर्ड दिया गया है नो उसमें कैसे जो साउंड है वो ने का रिलीज होता है। इसलिए अपना आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे इसके कॉन्सोनेंट लेटर्स के। यदि कॉन्सोनेंट लेटर को अंडरलाइन किया जाता है तो कॉन्सोनेंट साउंड रिलीज होगा, उसी पर अपना ध्यान फोकस करना है। और अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि यदि वोवल्स को अंडरलाइन किया जाता है तो हमें वोवल साउंड को ही आइडेंटिफाई करना है, दाएं बाएं जो भी साउंड आ रहा है कॉन्सोनेंट या वोवल का उन पर ध्यान नहीं देना है, केवल अंडरलाइन लेटर से जो साउंड रिलीज हो रहा है उसी पर ध्यान देना है। तो अपने दोस्त से देखी वोवल लेटर्स रिलीज वोवल साउंड, और दूसरी बात क्या सीखी अपन ने, कॉन्सोनेंट लेटर्स रिलीज कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। ये दो बातें अपने इस साउंड वाले टॉपिक में सीख ली है कि वोवल है उनसे हमेशा वोवल साउंड रिलीज होता है, और कॉन्सोनेंट जो लेटर होते हैं उनसे हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड रिलीज होता है। तो ये एक सिंपल सा अपना टॉपिक था जो आज कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड जो भी आपकी ग्रामर की बुक में जो भी एक्सरसाइज दी हुई है वो आपको प्रैक्टिस के रूप में प्रोवाइड करवा दी जाएगी, और अच्छी बात तो ये होगी कि आप भी, मार्केट ओपन हो चुका है इसलिए जल्द से जल्द अपनी जो भी बुक्स है
अपने अकॉर्डिंग कोर्स वो आप बुक से मार्केट से परचेज कर लो, ताकि ये सब एक्सरसाइज वगैरह है जो ग्रामर के टॉपिक्स अपन वन बाय वन लेके चल रहे हैं, ये अच्छे से आपको और क्लियर हो जाए। बाकी प्रेजेंट टाइम में जो ये आपका टॉपिक है, इसकी जो भी एक्सरसाइज आपकी बुक्स में दी हुई है, वो आपको प्रैक्टिस के लिए होमवर्क के रूप में प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिसे आपको पेड वर्कबुक में करना है। ओके, थैंक यू, सी यू टुमारो विद नेक्स्ट।